आज हम एक रेसिपी नहीं, हम एक मसाले बनाने वाले हैं, वो भी ग्रेवी मसाला, जिसका नाम है नानी का मैजिक ग्रेवी मसाला। फ्रेंड्स, ये मेरे नानी का मैजिक ग्रेवी मसाला बोल सकते हैं आप, जो मेरे नानी पहले बना के इसको स्टोर करते थे। ये ग्रेवी मसाला है जो हम फिश ग्रेवी, चिकन ग्रेवी, मटन ग्रेवी में हम इसे अर्जेंट में कभी भी हम इसको बनाकर अगर रखते हैं तो अर्जेंट में ये हमारे काम आता है। और इसको अभी तो फ्रिज है, वो वक्त में फ्रिज नहीं होते थे, फिर भी हमारे नानी इसका ग्रेवी का जो मसाला बनाकर मिट्टी के बर्तन में स्टोर करते थे। तो अभी हम इसको बनाकर फ्रिज में स्टोर करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, पहले हम इसके मसाले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने खोपरा लिया है 250 ग्राम, 150 ग्राम मैंने फली ली है, 50 ग्राम मैंने भिलावे की चिरंजी है। फ्रेंड्स, इसको भिलावे के फूल भी बोलते हैं, गोडम्बी भी बोलते हैं। तो ये मैंने ली है 50 ग्राम, 50 ग्राम मैंने खसखस ली है और 50 ग्राम मैंने तिल ली है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसको भूनना है, वो भी अच्छे से ब्राउन कलर का, ना ही हमें इसे कच्चा रखना है और ना ही जलाना है। इसी पर हमारी ग्रेवी डिपेंड करती है, अगर ये जल जाएगा तो ग्रेवी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और अगर ये कच्चा रहेगा तब भी हमारी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें इसे अच्छे से ब्राउन भूनना है, खड़े रहकर, से बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो पहले तो हम इसको भूनने के लिए एक अच्छा बड़ा साफ बर्तन ले ले, क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है। इतना मसाला फ्रेंड्स मुझे 1 महीने तक चल जाता है। मेरे घर में ज़्यादा फिश ग्रेवी, मटन ग्रेवी, चिकन ग्रेवी होती है, तो उसके हिसाब से ये इतना मुझे 1 महीने के लिए चल जाता है। और हमें इसको फ्रीज करना है। मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बर्तन में सेव करना है और इसे कैसे कैसे किस वक्त पर हमें कैसा निकालना है। तो फ्रेंड्स, आइए पहले हम भून लेते हैं मसाले। पहले हम खोपरे को हमने किस के लिया है फ्रेंड्स, ताकि हमें अच्छे से भुना जाएगा और हमारा ग्रेवी का मसाला इससे कच्चा नहीं रहता है। अगर हम काट लेते हैं छुरी से तो मसाले खोपरा अच्छे से भुना नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें इसको किसना ही है। किसने से खोपरा कच्चा नहीं रहता बीच में, और अच्छे से भुना भी जाता है। इसको भूनने में एक चीज अच्छे से ध्यान रखे फ्रेंड्स, क्या हमें इसको कंटिन्यूसली, अभी तो कढ़ाई ज्यादा गर्म नहीं हुई, होने के बाद हमें इसको रुकना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हिलाते हुए इसको भूनना है। देखिए फ्रेंड, हमारा खोपरा ब्राउन हो रहा है, हमें और थोड़ा ब्राउन करना है। सेक जैसे ऐसे ही चलाते रहना है, इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। अब हमारा खोपरा ब्राउन होने लगा है, हमें और थोड़ा सा ब्राउन चाहिए, मैं बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खोपरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, हमें ऐसे ही ब्राउन करना है। अब हम फल्ली को भी अच्छे से भून लेते हैं। फल्ली हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी, उसके बाद हम इसमें एक एक मसाले करके डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी फली भी अच्छे से लाल हो चुकी है, अब हम इसको निकाल देते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसको अंदर भिलावे की चिरंजी को भी डाल दे रहे हैं, और इसी वक्त हमें तिल्ली को और खसखस को भी डाल देना है। अगर हम इसे अकेले में भूनेंगे ना तो ये तिल्ली और खसखस उड़ जाएंगी, तो इसीलिए हमें तीनों को साथ में भूनना है। इसको भी एक जैसे ऐसे चलाते हुए भूनना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छे से लाल हो चुका है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं, और सबको एक साथ हमें मिक्सर में पीस लेना है, अच्छे से बारीक पीस लेना है। मसाले को अच्छे से हम पहले ठंडा कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर हम इसको मिक्सर में अच्छे से बारीक इसका पेस्ट बनाना है। मैं आपको फिर बाद में इसको कैसे सेव करना है, किस बर्तन में सेव करना है, वो भी बताती हूँ। पहले इसको ठंडा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब हम इससे पीस लेते हैं।
मसालों को ठंडा करके ही पीसिएगा फ्रेंड, बहुत गरम मसाले मिक्सर में मत पीसना, को अच्छे से ठंडा करके ही पीसना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्रेवी मैजिक मसाला अच्छे से बारीक पीस के तैयार हो चुका है। मैं इसको एकदम अच्छे से बारीक पेस्ट किया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसको बारीक पेस्ट किया है फ्रेंड, आप भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको बारीक अच्छे से पीस ले। ये तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, नानी का मैजिक ग्रेवी मसाला। तो फ्रेंड्स, इस बर्तन में हमने इसको इसलिए निकाला है, हम इसको फ्रीज करेंगे, फ्रीज इसको सेव करने के लिए हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। तो जब कभी भी हमें ग्रेवी बनाना होगा अर्जेंट में, अगर कोई मेहमान वगैरह आ गए, तो ये फ्री ग्रेवी मसाला बनाकर हम इसलिए रखते कि हमें कोई आ गया या हमें झटपट बनाना हो तो लेट ना हो। तो जब ये फ्रीज हो जाता है फ्रेंड, तो हमको इसको ऐसे पीसेस में कट करके फट से ग्रेवी, फ्री फिश ग्रेवी हो, चिकन ग्रेवी हो, मटन ग्रेवी हो, निकाल कर हमें फट से झटपट से तैयार हो जाएगा। और अगर हमारा फ्रीजर हो चुका है मसाला, तो हम इसको कैसे आसानी से निकाले। तो फ्रेंड्स, एक बड़े बर्तन में, इस तरीके के बर्तन में हमें पानी ले लेना है, और थोड़ा सा पानी गर्म हो गया तो हमें इस ऐसा रख देंगे, तो क्या होगा, हमारा मसाला थोड़ा आराम से साइड से छूट जाएगा। तो फिर हम आराम से, हमें जितना चाहिए उतना ऐसा कट करके निकाल कर हमारी ग्रेवी बना सकते हैं। तो इसीलिए हमने ऐसे केक टिन, जो एल्युमिनियम के टिन होते हैं, उसमें निकाला है। तो आप भी फ्रेंड इसी बर्तन में, ऐसे ही बर्तन में निकाल के बनाइए, आपको जितना लगता है वो उतने हिसाब से बनाइए। मुझे इतना 20 दिन या 1 महीने के हिसाब से चल जाता है, तो इसलिए मैंने इतना ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, नानी का मैजिक ग्रेवी मसाला तैयार है, आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है नानी का मैजिक ग्रेवी मसाले की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी ग्रेवी की कैसी लगी।